राज्य सरकार का घरे घरे पुष्टि घोषणा को नहीं उठिला प्रश्न। प्रथम मालकानगिरी चित्रकोंडा स्वाभिमान अंचल जनतापाई गाँव में यार शुभारंभ हो तबे वर्तमान ओडिशा रे शिशु मृत्यु कुपोषण और ओजन अनुसार उच्चता कम चिंताजनक स्थित में पहुंची कहले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से गर्भवती महिला माने रक्तहीनता कारण मृत्यु मुखरे पड़ुछते एभली उद्वेगजनक स्थिति सुधारिबा को परामर्श देछंते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। सर कार्यक्रम ए उपांत अंचल रे आम सरकार तरफ युद्धकालीन भितर चली कार्यक्रम नवीन बाबू को नेतृत्व में चली जनता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से कही जे स्वाभिमान अंचल पिछड़ा अंचल नुहे सी सबुठ आगे रार व्यवस्था सब डिपार्टमेंट तरफ आज से ही परिप्रेक्षी घरे घरे पुष्टि कार्यक्रम न्यूट्रिशन एट डोर स्टेप्स ये नुआ कार्यक्रम मुख्यमंत्री अम्लान प्रोजेक्ट सहित मिलमिशी चारोटी डिपार्टमेंट कन्वर्जेन्स जिते गरीब गुरुवा माँ मैंने अच्छा जो मैंने रक्तहीनता अपपुष्टर शिकार होती छोट पाने घर पर सुदूर प्रसारी ए लंबा कार्यक्रम कर तथ्य अनुसार ओडिशा रे पुष्टिकर खाद्य न मिलबारु तीन जन शिशु भितर जड़े बयस तुलन में बहु कम गेड़ा होती प्रति तीन जन जड़े शिशु तार बयस तुलन में बहु कम ओजनर होता है। अपपुष्टिर यह मानदंड अन्य राज्य तुलन में समग्र देश में ओडिशा बहु तले रही पुष्टिकर खाद्यर अभाव जो एक रु उन्नीस वर्ष बयसर 50% रक्तहीनतार शिकार होता बेले 9.5% पिला निकट में रोग प्रतिरोध शक्ति कम थाए एपरी अपपुष्टि द्वारा केवल निर्बल और निर्बुधिया शिशु को नहीं गढ़ा हेब कि ओडिशार भविष्य। ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित विक्रम आम रिपोर्टर जोड़ी रही विक्रम ओडिशा रे अपपुष्टि वर्तमान चिंताजनक स्थिति रे पहुंची निश्चित रूपे माधुरी देखु जितेबले अपपुष्टि दूर दूरीकरण पर मुख्यमंत्री निजे भिसी मध्यम मालकानगिरी जिलूर आरंभ कले प्रोटीनयुक्त चाउल आउ एबे घरे घरे पुष्टि आउ ये कार्यक्षम हम आउ मालकानगिरी जिलार जो उपांत अंचल अच्छी जोड़ा जदि कह बंडाघाटी स्वाभिमान अंचल ता सहित माथिली आभ्यंतरण अंचल एसबू अंचल अपपुष्टि चिंताजनक सहित जदि कह प्रति ब्लॉक रे सात गोटी ब्लॉक मधुर प्रति ब्लॉक रेड जोन रे अच्छी जदि गत वर्ष कथा कहबा केवल अक्टोबर मासरे गोटे अक्टोबर मासरे पाखापाखि कोरकुंडा ब्लॉक रे 13 जन शिशु अपपुष्टि रे मृत्युबरण करते अवस्था रही मालकानगिरी जिले में आ मालकानगिरी जिले में आरंभ है घरे घरे पुष्टि यो जिनस कार्यक्षम हम कहीं पूर्वर मध्य प्रोटीनयुक्त चाउल निजे मुख्यमंत्री भिसी माध्यम उद्घाटन कले आउ लोक प्रोटीनयुक्त चाउल दिगला आउ ए वर्तमान यही कार्यक्रम के सफल आम आलोचना करवा आम सहित अच्छा युव कंग्रेस राज्य संपादक अच्छा कौन कह आज जो निजे मंत्री आसे रणेन्द्र प्रताप आसे आउ मलकानगिरी जिला उद्घाटन कले जे घरे घरे पुष्टि ता पूर्व मुख्यमंत्री निजे प्रोटीनयुक्त चाउल बंटन करते कैसे सफल देखो गत 17-18 मसीह जितेबाला मालकानगिरी जिले में जापानीज एनसेफ्लाइटिस बोलिक अपपुष्टि मृत्युबरण कर शिशु मानक एक आख्या दिगला जापानीज एनसेफ्लाइटिस बोलिक पुणी तापर जना पड़ा जे शिशु माने अपपुष्टि रे मृत्युबरण करछन्ती सेते बेले सरकार को आखि खोलिलानी बुझे कि नहीं दीर्घ 25 वर्ष हला ओडिशा रे शासन करुछन्ती जना पड़ुनी शिशु मृत्यु हार केते अछि आउ के अपपुष्टि रे शिशु मालकानगिरी रे केते मृत्युबरण करछन्ती जना पड़िलानी किंतु आज आपण मान देखिबे आम रणेन्द्र प्रताप स्वाईं जे मंत्री अछन्ती कृषि मंत्री से स्वाभिमान अंचल रे आसुछन्ती एवं अपपुष्टि रे विरोध रे एबे घरे घरे पुष्टिकर खाद्य देवा पाई से योजना करुछन्ती किंतु 25 वर्ष हला देखा जाउनतिला जापानीज एनसेफ्लाइटिस रे अपपुष्टि रे शिकार हेले सेटा देखा गलानी माँ माने रक्तहीनतार शिकार होउछन्ती सेटा देखा जाउनी आपण जदि कहिबे मालकानगिरी रे वर्तमान पुष्टि पुष्टि केन्द्र अपपुष्टि केन्द्र एवं माथिली रे मध्ये अपपुष्टि केन्द्र अछि किंतु ताहा तो कोनोसी प्रकार कार्यक्रम होउनै वर्तमान एहा केते दूर कार्यक्रम हो आपण माने जदि निजे जदि जिबे से अपपुष्टि केन्द्र को जिबे ताहेले आपण जानि परबे किबोल कार्यक्रम अछि आउ जे अपपुष्टि रो दूरतीकरण पई अंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाइछि अंगनवाड़ी वर्कर समस्ते तो जाइके गोर्जुछन्ति से भुवनेश्वर रे आउ एटी अपपुष्टि दूर करिवो कि शिशु माने तो सब एटी मासे मासे धरिके अंगनवाड़ी केन्द्र बंद अछि
ତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଘରେ ଘରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ହେବନି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିକି ଘରେ ଘରେ ପୁଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରକୁ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଜନାକୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ପୁଷ୍ଟିକର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ଦେଲା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯେହେତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ପୁଷ୍ଟି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଚାଉଳ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଅଛି, ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର? କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଘରେ ଘରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଘୋଷଣା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେଠାରେ କେମିତି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିକ୍ରମ ସ୍ୱୟଂ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।